आप सभी लोगों ने देखा जिला बैतूल भीमपुर में जो हमारे 21 साथियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस प्रशासन के माध्यम से, और सभी को पूरी घटना पता है। तो हम पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों से भी लोगों ने वो फोटो देखा है मनोज भाई की और बाकी हमारे आंदोलनकारी कार्यकर्ता हमारे युवा साथियों की, जिनको बिना कपड़ों के बिठाया गया, फोटो खूब वायरल हुई है। तो बहुत बड़ी संख्या में बैतूल जिले के अंदर पूरी की पूरी संख्या आने की संभावना है, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ प्रशासन को कि ये इस प्रकार का माहौल ना बने। इसीलिए जो 21 जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और जिनको नज़रबंद किया गया है, इन सभी को छोड़ने की कृपा करें, अन्यथा बहुत भारी संख्या में पब्लिक वहां पर रहेगी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से उन भाइयों को छोड़ा जाए। इसीलिए छोड़ा जाए क्योंकि भीमपुर की जो घटना हुई है, विगत तीन वर्षों से उस चीज़ के लिए न्याय मांगा जा रहा था कि वो जगह जो दान में दी गई थी, उसमें स्कूल और छात्रावास बनाने के उद्देश्य से दी गई थी, उसे जल्द से जल्द उसी काम में लिया जाए, लेकिन वहाँ दुकान खड़ी थी, दुकान बन गई थी, 3 साल से न्याय नहीं मिल पाया था, इस वजह से वहाँ इतना सारा हु हल्ला हुआ। और लास्ट में आपने देखा कि सभी कार्यक्रम बड़ी शांतिपूर्वक हुआ, सभी भाई संतराम तेगाम जी, शिव रावण तेगाम जी, हमारे तुलसी धुर भाई, संजय भाई, सभी साथी जो भवानी जी वीडियो बना रहे, सभी साथियों ने लाइव के माध्यम से वीडियो के माध्यम से देखा कि बहुत शांतिपूर्वक कार्यक्रम चला। लेकिन इतना वेट करने के बाद शासन प्रशासन को बोला गया कि 3 साल हमने वेट किया, ज्यादा वेट नहीं कर सकते, आप हमें लिख के दीजिए, लेकिन प्रशासन लिखने के लिए तैयार नहीं थी। किसी ना किसी प्रकार से प्रशासन ने, भीमपुर प्रशासन ने, बैतूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने बहुत लेट लतीत किया और लगभग 6 से 7 बज गए और काफी अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद कुछ लोग जो वहाँ के हमारे आंदोलन के नहीं थे, बाहर के थे, उन लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि प्रशासन ने वहाँ पर लाठी चार्ज की। पहला सवाल ये खड़ा होता है, प्रशासन ने लाठी चार्ज क्यों की? क्योंकि कार्यकर्ता इतने समय से वहाँ पर बैठे थे, अपने भाषण दे रहे थे, प्रशासन को बोल रहे थे कि आप कुछ ना कुछ उचित लिख के दें, लेकिन लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे, ये उनके लिए प्रश्न, एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि इतनी भारी संख्या में 200 से ज़्यादा आंदोलनकारी हमारे जो साथी से संघर्ष करने वाले थे, उनको चोट लगी है, लेकिन जिन लोगों को चोट लगी है पूरे खूना खान है, लेकिन उनको अस्पताल तक भी नहीं जाने दिया जा रहा था, जो अस्पताल जा रहे थे उनको भी भर के गिरफ्तार किया गया है। जब ये घटना देखे तो आधे से ज़्यादा कार्यकर्ता कोई गेहूँ में सोए हैं, कोई जंगल में सोए हैं, कहीं पर भी वहाँ पर उनकी चोट लेके बैठे हैं, ये भी बहुत निंदनीय है, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जो आग लगी है और इतना जो अफरा तफरी मचा है, इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है कि क्यों रात का वेट किया गया, क्यों 6, 7, 8 बजने दिया गया, क्योंकि ये सभी काम एक लिख के देने का काम सिर्फ दिन में भी प्रशासन कर सकती थी। तो हम यही सूचित करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम अशांति नहीं फैलाना चाहते। और लास्ट भी हम ये कहते हैं कि हमारे जिन जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी उनका मुआवजा तक नहीं हुआ, और जो मुआवजा कराने के लिए जा रहे थे उनको उठा के मारा जा रहा था और बहुत बुरी तरीके से घायल है। तो यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको छोड़े, अन्यथा पूरे भारत देश के आदिवासी और सभी हमारे ST/SC OBC मूलवासी और मूल निवासी सभी भाई युवा साथी वहां पर एकत्रित होंगे और बैतूल का माहौल और या बैतूल में अशांति फैलने की शंका भी है। तो इसलिए प्रशासन इसमें जल्द से उचित निर्णय ले, यही उद्देश्य से आज हम वीडियोस जारी कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी अपने कुछ बात रखेंगे, जैसा भी तेकाम जी। शायद मैंने देखा था वीडियो कि 15 दिन का टाइम प्रशासन ने लिया है, तो उसके बीच में अपने को अपने साथियों को कुछ गलत काम न करना है, पहले 15 दिन का समय देख लें, उसके बाद कुछ कर रहे हैं जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, दादा ने आपको अवगत कराया कि किस तरीके से मतलब शांति रूप से प्रदर्शन चल रहा था, जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी थे अपने शांतिपूर्ण से अपने मांग कर रहे थे, जो जायज मांग थी उस मांगों को लेकर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, किंतु प्रशासन की गलती की वजह से अफरा तफरी हुई। प्रशासन अगर इसी चीज को अगर पहले लिख के देता, 4 बजे लिख के दे सकता था प्रशासन, 5 बजे लिख सकता था, पर प्रशासन ने नहीं लिखा, प्रशासन ने 7 से 8 बजे लिखा। क्यों? हो सकता कि भाई प्रशासन की भी कोई चाल नहीं होगी गोंडवाना आंदोलन को खत्म करने की, कह सकते हैं हम लोग, हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और निवेदन करना चाहूंगा, जो बैतूल प्रशासन है, भीमपुर प्रशासन है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी हमारे साथियों को आपने नजरबंद करके रखा हुआ है, गिरफ्तार करके रखा हुआ है, और जिस तरीके से आप अत्याचार कर रहे हैं, ये बंद करें और उन्हें छोड़ा जाए। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपके इस रवैये को मतलब
उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में आर पार की लड़ाई होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बिल्कुल सही बोले। हम यही चाहते हैं कि जो साथी अंदर है उनको जल्द से जल्द छोड़ें। अगर उनको नहीं छोड़ेंगे तो माहौल और ज़्यादा गर्माएगा, क्योंकि सबको टेंशन है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना परेशान है, कुछ खाए कि नहीं, किस हालत में है, ये तमाम प्रकार के। क्योंकि जो भाई अंदर है वो हमारे ही साथी है, हमारे ही मिल के काम करने वाले भाई लोग हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको रिहा करें, क्योंकि रिहा नहीं करेंगे तो माहौल और गड़बड़ाएगा। इसमें शासन प्रशासन को चिंतन करना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ उचित निर्णय करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर अभी बहुत सारे तमाम युवा साथी को गिरफ्तार किया गया है, तो उनको ऐसा कपड़े जो वस्त्र निकाल के करा गया है, वो बहुत गलत निंदनीय है। ये बात से आदिवासी से आप गलत इस टाइप से दोषी समझ रहे हैं, बाकी हथकड़ी भी लगा है उसमें, कुछ लड़ाई थाने में बैठे और थाने में कोई कपड़े नहीं उतारते। तमाम चीजें शासन प्रशासन ऐसा ना करे कि उनको ऐसा गंदे तरीके से बिठा लेकर फोटो वायरल कराया है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा निंदनीय है। ये हम शासन प्रशासन कहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा करे, सब सम्मान रिहा करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनको जो अंदर करके रखे हैं और इस तरह से बिना कपड़ों को जो बैठा लगा है, इस तरह के अन्याय अत्याचार हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और आने वाले समय में इसके लिए शासन प्रशासन खुद जवाबदार है। और अभी भी जो कृत हुआ है इसके लिए भी शासन प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही ये उपद्रव या फिर एक प्रकार से ये घटना घटित हुई है, ये इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें शासन प्रशासन जल्दी रिहाई करे, ये रिक्वेस्ट अगर नहीं करते हैं तो अनुमानित हम देखें 1,00,000 से ज़्यादा लोग बिल्कुल 1,00,000 से ज़्यादा लोग हो सकता है बैतूल में इकट्ठे हो, सिर्फ मात्र छिंदवाड़ा से नहीं, मात्र बैतूल से नहीं, मात्र होशंगाबाद से नहीं, मात्र रायसेन और हरदा से नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों ने देखा है, तो बहुत भारी संख्या में एकत्रित होंगे, तो ऐसा माहौल ना बने, इसलिए हमारे भाइयों को जल्द से जल्द रिहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।